नमस्कार, मैं हूं सुमकांत। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक पर 26 से नहीं दौड़ेगी ट्रेन, 29 से चलेगी ट्रेन। लोकतंत्र की मजबूती के लिए निकाली जागरूकता रैली, मतदान का दिया संदेश। राजकीय एनएमकेजी कॉलेज में होगा गणतंत्र दिवस समारोह, प्रशासन की तैयारियां पूरी। पशुपालन विभाग ने लगाया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, पशुपालकों को दी जानकारियां। अब समाचार विस्तार से। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक पर 26 जनवरी से नहीं दौड़ेगी ट्रेन। इस मार्ग पर रेलगाड़ी कब दौड़ेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने 29 जनवरी से नए ट्रैक पर रेल चलाने की बात कही है। गाड़ी चलने में लगातार हो रही देरी से शहर के नागरिकों में काफी रोष है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक आमान परिवर्तन के बाद पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस मार्ग पर रेलगाड़ी चलने में लगातार विलम्ब हो रहा है। हालांकि 10 दिसंबर को जब सीआरएस हनुमानगढ़ पहुंचे और निरीक्षण के बाद 11 दिसंबर को सीआरएस ने इस ट्रैक पर रेल चलाने की सहमति दी, तो लोगों ने उम्मीद जताई कि नववर्ष से पहले ही इस मार्ग पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। इंस्पेक्शन अभी हम लोग किया, 2 दिन से कर रहे थे, कल और आज। तो कल हमने यहाँ से वो आपका कौन सा शहर है, शादुल शहर तक किया था, और शादुल शहर से आगे आज किया। अच्छा लगा ट्रैक, इन लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया है, प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी अच्छे हैं, और भी दूसरी जो भी नए गेज कन्वर्शन के कनेक्शन में इनको काम करना था, लेवल क्रॉसिंग वगैरह में, उन्होंने अच्छे से किया है, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जल्दी मिल जाएगा, शॉर्टली 1-2 नहीं शुगर महीने नहीं, पहले मिल जाएगा। हाँ हाँ, 1-2 दिन में मिल जाएगा, मंडे तक, लेटेस्ट मंडे ट्यूजडे तक है ना। फिर अभी स्पीड ट्रायल करके आए हैं, 120 पे हमने ट्रेन चलाई है, ट्रेन बहुत बढ़िया चली, 40 मिनट में हम आ गए गंगानगर से हनुमानगढ़। नहीं, हम जल्दी कोशिश करेंगे इसी महीने चलाने की। नववर्ष बीत गया और रेलगाड़ी नहीं चली। रेल प्रशासन ने तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक 26 जनवरी से गाड़ी चलाने की बात कही। गणतंत्र दिवस पर रेलगाड़ी चलने की उम्मीद लगाए नागरिकों के हाथ फिर मायूसी ही लगी। गंगानगर हनुमानगढ़ गाड़ी जो है लाइन बन करके बड़े लंबे टाइम से तैयार है, सीआरएस का दौरा हो गया। पहली बात तो सीआरएस का दौरा ही बड़ा देर से हुआ, परंतु कुल मिलाकर के ये हुआ कि भी चलो देर आए दुरुस्त वाली बात हुई कि भी सीआरएस का दौरा हो गया। सीआरएस साहब के हालांकि गाड़ी चलाने में कोई भूमिका नहीं होती, मंजूरी के लिए होती है, परंतु उसके बावजूद ही उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर से पहले पहले गाड़ी हम चला देंगे। डीआरएम महोदय ने भी यही कहा था कि 31 दिसंबर से पहले पहले गाड़ी चला देंगे, परंतु हमारे जो एमपी महोदय है उनका कुछ रोल गलत हो गया। उन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था इस विषय के अंदर, सिर्फ नंबर बनाने के लिए उन्होंने अखबार के अंदर एक प्रेस विज्ञप्ति दी कि भी मैं जनवरी के लिए रेल मंत्री को इनवाइट करके आया हूं। और बात करी है भाई, यदि 26 को गाड़ी नहीं चली तो उसके बाद में फिर हम अब कार्रवाई करने के लिए पुर में थे, तो वो करे यदि 26 को गाड़ी नहीं चलती तो फिर हम सब मिलजुल करके बैठ करके एक निर्णय लेंगे। और अब आज की एक रूमर है कि गाड़ी शायद 29 को चल जाए। हम यदि 28 तारीख को अल्टीमेट हमारा दिया हुआ है, यदि 28 को गाड़ी 26 को गाड़ी नहीं चली तो 28 को फिर हम जो है कार्रवाई करेंगे। डीआरएम मंजू गुप्ता ने बताया कि तकनीकी कारणों के कारण 29 जनवरी से पहले इस मार्ग पर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं है। बलजीत बोल रहा था। मैम, ये हनुमानगढ़ रेलवे ट्रेन 26 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, क्या पोजीशन है? इसको चलाई गई है, जो मिल गया अप्रूवल मिल गया है, आ रहा है हमारे पास। जी जी, 29 को चलाएंगे। 29 तक? हाँ जी, 29 को। जी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। मताधिकार का प्रयोग कर हम लोकतंत्र को मजबूती दे सकते हैं। मतदाता जागरूकता के लिए आज छात्रों द्वारा रैली निकाली गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम राजकीय एनएमपीजी महाविद्यालय में होगा। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। हाथों में जागरूकता संबंधी नारे लिखी तख्तियां लेकर बच्चों ने मतदान करने का संदेश दिया।
मतदाताओं को जागरूकता का संदेश देती हुई राजकीय विद्यालय से प्रारंभ हुई रैली मुख्य बाजार, राजीव चौक, सेक्टर 12 आदि स्थानों से होती हुई वापस विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुई। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में राजकीय पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा चुनावों के दौरान सर्वाधिक वोट पोल करने वाली ग्राम पंचायत को सम्मानित भी किया जाएगा। की जो ये रैली है, ये मतदाता पहचान पत्र और मतदाता दिवस को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। सभी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएं, चाहे जवान हो या नवयुवक हो, जिस व्यक्ति का वोट बना हुआ है वो सभी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सफल और सजग बनाने का प्रयास करें। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह इस बार राजीव गांधी स्टेडियम के बजाय राजकीय NMPC कॉलेज में होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर BL मेहड़ा ने बताया कि स्टेडियम में निर्माण कार्यों के चलते मुख्य समारोह का आयोजन स्टेडियम में नहीं हो सकता। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में निर्माण कार्यों के चलते इस बार गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह राजकीय NMPC कॉलेज में होगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी। ADM BL मेहड़ा ने बताया कि प्रातः 9:15 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उसके बाद परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ले जाएगी और राज्यपाल के संदेश का पठन होगा। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ADM ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यायाम प्रदर्शन, झांकियां निकालने व परेड आदि का रिहर्सल भी कॉलेज प्रांगण में चल रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति गीतों से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। ADM BL मेहड़ा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। तो जिला स्तर पर 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में समस्त तैयारियां पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यायाम प्रदर्शन और अन्य गतिविधियां हैं उनकी पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। आज हमने रिहर्सल भी कर ली है और इसके अलावा जो राज्यपाल का संदेश है वो भी हमारा समय पे आ जाएगा। और इस गणतंत्र दिवस पे पूर्व संध्या पर भी कल एक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो हमारे देशभक्ति से संबंधित जो गीत हैं और जो नृत्य हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे। और 26 जनवरी को मुख्य समारोह 9 बजे NMPG कॉलेज जो है उसमें आयोजित किया जाएगा। और हमारे स्टेडियम में इस समय निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसलिए यह कार्यक्रम जो है वो टाउन में ही NMPG कॉलेज में आयोजित करने का निश्चित किया गया है। ऑल इंडिया KD सिंह बाबू हॉकी टूर्नामेंट के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। शिविर के समापन पर हॉकी खिलाड़ियों के कोच द्वारा हॉकी खेल के गुर सिखाए गए। ऑल इंडिया KD सिंह बाबू हॉकी टूर्नामेंट के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। हॉकी हनुमानगढ़ के अध्यक्ष मलकी सिंह ने बताया कि इस शिविर में पूरे राजस्थान के अंडर 14 के खिलाड़ियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण लिया। समापन अवसर पर राजस्थान की हॉकी टीम व मालवा हॉकी अकेडमी के बीच मैच खेला गया। इस दौरान कोच हरवीर सिंह के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नई तकनीक, पेनल्टी कॉर्नर व पेनल्टी स्ट्रोक के गुर सिखाए गए। चयनित खिलाड़ी लखनऊ में होने वाली हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का नेतृत्व करेंगे। राजस्थान की टीम का पहला मैच 26 जनवरी को लखनऊ में होगा। पिछले 5 दिनों से चल रहे हॉकी राजस्थान के प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग हर जिले से बच्चों ने भाग लिया था और यहाँ पूरे राजस्थान की 18 बच्चों की टीम सिलेक्ट की गई है। और इस प्रशिक्षण शिविर में हरवीर सिंह NIS कोच ने इनको प्रशिक्षण दिया और इन बच्चों का जो यहाँ रहने का, खाने का और ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो खालसा कॉलेज द्वारा किया गया। और ये बच्चे आज रात को यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और 26 तारीख को इनका वहाँ पहला मैच है। राजस्थान का जो है पहला मैच 26 तारीख को होगा। प्रशिक्षण लेने के बाद राजस्थान की टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों में उत्साह देखते ही बन रहा था। नन्हे खिलाड़ियों में जीत को लेकर हौसला देख बड़े भी हैरान थे।
भीलवाड़ा से आए नन्हे खिलाड़ी ने राजस्थान का नाम रोशन करने की बात कही तो टीम के हौसले और भी बुलंद हो गए। वहीं खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्रक्रिया की भी सराहना की। हम राजस्थान की टीम में सेलेक्ट हुए हैं और हम राजस्थान का नाम ऊंचा करेंगे। कहाँ जा रहे हो खेलने? हम लखनऊ आज रात को रवाना होंगे लखनऊ के लिए। यहाँ पे हमें हॉकी की प्रैक्टिस कराई गई है। कैसा सिखाया, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम करण है और मैं यहाँ पर हर रोज प्रैक्टिस के लिए आया हूँ और मुझे बहुत ही यहाँ पे हमारे कोच है अरवीर सरान हैरी जो कि हमें बहुत ही अच्छा सिखाते हैं और हमारी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। यहाँ पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इम्पोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से हादसों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। यातायात पुलिस वाहन चालकों को समय समय पर नियमों की जानकारी भी देती है, लेकिन वाहन चालकों की जरा सी लापरवाही किसी भी दुर्घटना को निमंत्रण देने के लिए काफी है। ऐसा ही मामला गुरुवार शाम को सामने आया जब दो वाहन आपस में भिड़ गए। टाउन स्थित ओवरब्रिज के पास ट्रॉले व ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हालांकि दोनों वाहनों की गति कम होने से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन घटना में ट्रैक्टर काफी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहनों की भिड़ंत से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे ओवरब्रिज के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना पाकर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जाम की स्थिति को देखते हुए जेसीबी बुलवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाकर जाम खुलवाया। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर चालक कोहला गांव से मिट्टी लेकर बस स्टैंड जा रहा था कि ओवरब्रिज के पास सामने से आ रहे ट्रॉले से भिड़ गया। खालसा कॉलेज के छात्र मानवेंद्र भादुनी सेंट जेवियर कॉलेज में मानव जीवन में कृषि व पशुपालन के महत्व पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। राजस्थान आर्थिक परिषद द्वारा आयोजित 34वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मैंने मानव जीवन में कृषि व पशुपालन के महत्व पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। ये शोध पत्र डॉक्टर संतोष राजपुरोहित प्राचार्य राजस्थान कॉलेज के निर्देशन में तैयार किया गया। इसमें मूल रूप से किसानों की आधुनिक दशा को दर्शाया गया है कि किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। जिस देश में सुबह 5 बजे गाय दूध देने के बाद में 7 बजे आपको घर के आगे न्यूनतम रेट पर दूध मिलता हो, 5 बजे खेत से सब्जी टूटने बाद 7 बजे खेत में सब्जी टूटने बाद आपके घर तैयार मिलती है, और उस देश में किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करें, ऐसा क्यों? इस पर सर मेरा मुख्य रूप से एक बिंदु रहा इमू का, भारत में व्यावसायिक आगमन व इसकी विफलता से किसानों को पहुंचा आर्थिक नुकसान। 2 साल पहले इमू पक्षी भारत में लाया गया और इसे किसानों को बहुत ही कम भावों में दे दिया गया। इसे पाले और किसानों ने 150 और 200 संख्या में इमू लिया। एक बच्चे की कीमत थी 2500 रुपये और कहा गया कि इसका एक अंडा 2500 और 3000 रुपये कंपनी आपसे खरीदेगी।
कुछ समय बाद इमू वातावरण का बदलाव सहन नहीं कर पाया और उसने अंडे देने बंद कर दिए। आज इमू की यह दुर्दशा है कि रात को किसान भाई एक दूसरे खेत में इमू छोड़ रहे हैं। पंचायत समिति परिसर में जनरल संवेदी शासन मुद्दों को लेकर हुई दो दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यशाला में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों व ब्लॉक अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की। राजस्थान पंचायती राज रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला में महिलाओं की समाज में भागीदारी को लेकर विचार विमर्श हुआ। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को कार्यशाला के समापन पर्व पूर्व जेंडर संवेदी शासन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों व ब्लॉक अधिकारियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री व पुरुष के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीण जनप्रतिनिधि गाँव में महिला अधिकारों की रक्षा व कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अपला या अपला के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसी सोच को बदलने का राज्य सरकार ने मानस बनाया है और राज्य सरकार ने मानस बनाकर यह दो दिवसीय कार्यशाला रखी है। यह पूरे राजस्थान में 248 पंचायत समितियों में आज यह कार्यशाला शुरू हुई है। मुझे आशा है आप इस विषय में कोई गंभीरता से लेते हुए इस कार्यशाला में पूरा रुचिपूर्वक भाग लेंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच का संदेश हम सभी को जन जन तक पहुंचाना है। आप सभी जनप्रतिनिधि हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम जेंडर संवेदी शासन के प्रयास को सफल बनाएं। जेंडर संवेदी मुद्दों पर हालांकि पहले कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की कार्यशाला जो है इस मुद्दे पर, जेंडर संवेदी मुद्दे पर, पिछले 2-3 वर्षों में ये पहली बार की गई है। तो ये कार्यशाला हम लोगों की भी हुई थी, जिसमें हमें जयपुर बुलाया गया था, वहाँ एक दिवसीय कार्यशाला थी, और फिर बीकानेर में भी 2 दिवस की कार्यशाला की गई थी। इसके अतिरिक्त जिला परिषद में भी जिला स्तर के अधिकारियों की और जो जिला परिषद के डायरेक्टर हैं उनकी भी 2 दिवसीय कार्यशाला जिला परिषद। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। योजना के तहत 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से विभाग ने पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव संबंधी जानकारियां दी। टाउन स्थित पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। आत्मा योजना के तहत लगाए गए शिविर में पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव संबंधी जानकारियां दी। उन्होंने पशुओं के खान पान व उनमें फैलने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर पशुपालकों को जागरूक किया। 2 दिवसीय शिविर में तहसील क्षेत्र के करीब 30 पशुपालकों ने शामिल होकर विभाग की योजनाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक डॉ. सुभाष गोदारा ने राज्य सरकार द्वारा घोषित 60 दिवसीय कार्य योजना की भी जानकारी दी। 60 दिवसीय अभियान में जो कि हमारे विभाग का 11 जनवरी से लेके और 11 मार्च तक चलेगा, उसमें जो हमारी तहसील मोबाइलें हैं
वो 40 कैंप, प्रतिदिन 2 कैंप लगाएगी। इसके अलावा जितने भी पंजीकृत गौशालाएं हैं उनमें पायका उन्मूलन का कार्यक्रम चलेगा, उसमें हर 15 दिन में और 60 दिन में 4 कैंप लगाए जाएंगे। उसमें हमने सभी जो संबंधित चिकित्सा प्रभारी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। 23 और 24 को वो तो आत्मा के हमारे प्रशिक्षण हैं, उसका 60 दिवसीय कार्य योजना में तो नहीं है, लेकिन आत्मा के हम प्रशिक्षण 8 प्रशिक्षण 2-2 दिवस के 30-30 पशुपालकों को हमने प्रशिक्षित किया है। सभी तहसील मुख्यालयों पे ये प्रशिक्षण लगाए गए हैं, तो उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ में 23 और 24 को ये पशुपालकों को प्रशिक्षण, पशुपालन के संबंध में वैक्सीनेशन है, उनका रख रखाव है, न्यूट्रिशन है और जो भी विभाग की योजनाएं हैं उनकी जानकारी पशुपालकों को दी जाती है। सर्दी का असर बढ़ने से और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के आगोश में हुई, देर तक कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हुई। पहले सर्द हवाओं और अब घना कोहरा छाने और धूप नहीं खिलने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा जिससे वाहन चालकों ने दिन में लाइटें जलाकर सफर करना पड़ा। वहीं सुबह स्कूल समय पर पहुंचने में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे घने कोहरे और ठंड के बीच गर्म कपड़ों का सहारा लेकर स्कूल पहुंचे। सूर्यदेव के दर्शन भी दोपहर बाद कुछ समय के लिए हुए जिससे लोगों को मामूली राहत मिली। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।